उन्होंने कहा था कि मैंने एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन वो जो एफआईआर दर्ज है वो यहाँ पे इंडिया में, भारत में अभी नहीं पहुंची है। मैं उच्चायोग गया था भैया, मैंने उनका नाम गुलाम हैदर नाम लेके कि कोई पाकिस्तान से कोई इनकी एफआईआर दर्ज है, गुलाम हैदर, सचिन मीना और उसके चार बच्चों के नाम के अनुसार, उनकी अभी तक यहाँ पर पहुंची नहीं है भाई। किसी भी एक आम इंसान को ये जो भी ऐसी रिपोर्ट है, ये जो गृह मंत्रालय को सौंपी जाती है, ये आरटीआई के कानून के बाहर भी आती है, कोई इनकी जानकारी वैसे वैसे कानून से भी हासिल नहीं कर सकता है। मैं इस चीज का जानकार हूँ पूरा, और जी कोई रिपोर्ट किसी को लीक नहीं की जाएगी। लेकिन मैं ये जानकारी देना चाहूंगा, आप भी अच्छा बोल रहे हो लेकिन कानून से ज्यादा आप दिल से साथ हो, ये मुझे, मैं आपके लिए मानूं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप बहुत दिनों से वीडियो बना रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं और हम आपको देख के सुनते रहते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको, कि रोशन अली साहब हमको सुन रहे हैं ना, जो जो आप कार्रवाई बता रहे हो वो 90% से हो चुकी है, और उन्होंने इंडियन हाई कमीशन में जो सारी डॉक्यूमेंट थे, गुलाम हैदर ने जो क्लेम किया है कि भाई मेरे ऐसे बच्चे ए बीबी इलीगल इंडिया में प्रवेश कर गई है, उसमें जो देरी हो रही है वो इंडियन हाई कमीशन है, जिसको हम अपने भारतीय भाषा में भारतीय उच्चायुक्त बोलते हैं, वो देरी कर रहा है। वो रिपोर्ट जाएगी होम मिनिस्ट्री को, और होम मिनिस्ट्री में कोई रिपोर्ट लीक करना भी ये समझ लो कि कानून का, कानून के साथ खेलना होता है। होम मिनिस्ट्री की कोई रिपोर्ट लीक नहीं होती है, और हमारे संसद में इसके लिए स्पेशल कानून बनाया गया है। जो भी ऐसी गुप्त रिपोर्ट होती है वो एक आम आदमी को देना बहुत दूर की बात है, पुलिस का कोई आईजी भी उनको हासिल नहीं कर सकता। कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक इंडिया के कोर्ट में केस नहीं आएगा, इंडियन जुडिशरी सिस्टम में केस जाएगा, प्रधानमंत्री का जो हमारे पॉलिटिकल जिस भी मंत्री ने बयान दिया है उनके हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं है। एटीएस अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, अगर वो उसको दोषी ठहरा देते हैं तो कोई भी राजनीतिक बड़े से बड़ा हस्ती, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई उनको डिपोर्ट नहीं करा सकता। अगर वो सीमा दोषी ठहरा दी जाती है, जासूस पाई जाती है, या उसमें कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाई जाती है, तो ये सब डिपेंड करेगा जो हमारी जो जांच एजेंसी है, जो भी जितनी एटीएस है या दूसरी जांच एजेंसी है, उन जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर। वो रिपोर्ट ऑलरेडी या तो कंप्लीट नहीं हुई होगी, या हुई होगी तो गृह मंत्रालय में होगी। मैं एक कई बार पहले भी बोल चुका हूं, ये केस को कोर्ट में जाए बगैर जो इंडियन हाई कमीशन है और गृह मंत्रालय इसमें अपने आप ही संज्ञान लेगा, जैसे हमारी हिंदी भाषा में बोलते हैं स्वतः संज्ञान, मतलब अपनी मर्जी से लिया गया कड़ा फैसला। तो गृह मंत्रालय को अगर ये पता लगे कि ये जो इलीगल नागरिक है, सिटीजन है पाकिस्तान की, चार बच्चों के साथ हमारे देश की सीमा में, इंडियन टेरिटरी में इलीगल आई है, तो इसको वो एक सेकंड में डिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्यों नहीं होगी, लेकिन होगी नहीं, इतनी जल्दी आसान नहीं है, जब तक इंडियन कोर्ट में केस आएगा नहीं। अगर जो इनको वहां ये सूर्या वर्मा जी किसी कोई वकील हायर करते हैं और कोर्ट में वो कोर्ट उनसे वो जो रिपोर्ट मांग सकता है, हमारे पास ये नहीं कि अगर वो इंडियन जो एटीएस एजेंसी है, जो एनआईए एजेंसी है, जो भी बहुत और एजेंसियां काम कर रही है, जब उसकी रिपोर्ट जब तक हमें नहीं पता लगेगी या किसी वकील के हाथ में नहीं आएगी, वो कैसे उस चीज को क्लेम कर सकते हैं। सूर्या वर्मा जी जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा, गुलाम हैदर को यहाँ पे आएगा या वकील हायर करना पड़ेगा, जब जाके केस का सोल होगा, कोर्ट आदेश देगा कि भी हमारे को रिपोर्ट का है, गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगेगा या एटीएस से रिपोर्ट मांगेगा, एक आम इंसान या पुलिस इनके पास कोई अधिकार इसका कोई नहीं है। जैसा कि एक हमारा लोकेंद्र कुमार वकील था जो बड़ा नाराज होगा, उन्होंने रोशन अली साहब को बड़ा वो किया कि गुलाम हैदर आएगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्यों भाई, वो टेररिस्ट है, कोई काम सच्चा इंसान है, तो उसकी एक वकील ने मिसगाइड किया था, आपको याद होगा। मैं आज उसको जलील नहीं कर रहा हूँ, एक्सपोज भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस वकील ने ये कहा था रोशन अली साहब को, और रोशन अली साहब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, और मैंने हर बार यही कहता रहता हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि गाली देने से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ रोशन अली साहब जो कार्रवाई कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, उन्होंने जो भी सारे, उन्होंने जो कहां से मकान बेचा, कहां से खरीदा, सारी टोटल जमा, बिल्कुल पूरे सबूत जमा जी। आज जैसे सीमा नाराज हो रही है, किसी के गाली देने से, किसी के लानत देने से कुछ होने वाला नहीं, चाहे कोई रो कोई पीटो, इंडियन जुडिशरी सिस्टम भावनाओं से या दलीलों से या पिता की दलीलों से नहीं चलता, इंडियन जुडिशरी सिस्टम सिर्फ कानून से चलता है। जब सूर्या वर्मा जी वकील करेंगे और इंडियन कोर्ट में केस चलेगा, फैसला आएगा, सबको मानना पड़ेगा, यही होगा जी। सूर्या वर्मा जी की बात का हम सम्मान करते हैं, और बिना यहाँ पे केस, या तो डिप्लोमेटिक तरीके से केस को हम सोल्व कर सकते हैं।
लेकिन जब आप ये बातें करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री में जाऊंगा और वो जाऊंगा, ये आपको पता है कि ये जो सेंसिटिव रिपोर्ट है ये आरटीआई एक्ट के भी बाहर आती है, इनकी कोई जानकारी नहीं जुटा सकता जब तक इंडिया में कोई वकील नहीं होगा, कोर्ट में केस नहीं जाएगा, वो कोर्ट के थ्रू ही वो सारी रिपोर्ट लीक हो सकती है किसी एक आम इंसान को, या इसमें सीधे प्रधानमंत्री का कोई इसमें दखलंदाजी नहीं होता। सर मैं जवाब देता हूं, मैं आपकी बात से बहुत बहुत सहमत हूं, लेकिन एक माननीय प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक होता है भारत सरकार का या पूरी दुनिया में किसी भी देश का, वो उस केस की जानकारी ले सकता है। सुनिए सर वो पूरा अगर हमारे प्रधान जी मैं माननीय मोदी जी हैं, अगर ये मुद्दा उनके पास जाएगा उठाएगा तो भैया इसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। सुनो आप वो आरटीआई से देख लो या किसी एटीएस से जांच की एजेंसी देख लो या किसी, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी अगर इस बात को सुनते हैं या उस बात को अगर समझेंगे वो, तो वो इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, वो तो देश का सर्वप्रिय हमारे भारत सरकार के हमारे प्रधान सेवक है। अगर बात आएगी जी, बात आती है एजेंसी वाली, देखिए भाई साहब एजेंसी वाली बात आएगी ना, देखो एजेंसी वाली बात आएगी तो हमारी एजेंसी ने पूरी जांच प्रक्रिया शुरू की है उनकी, और जांच प्रक्रिया के तहत भी फिर भी रह रही है, क्यों रह रही है देखो कुछ, लेकिन उन्होंने जो कानून जो हमारा है वो थोड़ा सा हल्का सा लेट है, लेट जरूर है, लेकिन उसके तहत उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। आप थोड़ा सा समय वेट करिए सर। अनिल कुमार जी मैं एक बात कहूं, देखो मैं कभी जोश में नहीं आता हूं, मैं जो भी बात बोलता हूं बहुत सोच समझ के बोलता हूं हर वीडियो पे, सुनो जी। और मैं कोई मैं अनपढ़ नहीं हूं, देखो मैं आपकी बात मैंने सुनी, आपने कहा कोई भी इसकी रिपोर्ट को नहीं ले सकता, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूं, लेकिन कुछ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि देखो हमारे भारत की बात है, हम अपने भारत की बात को रखेंगे, लेकिन अगर गुलाम हैदर वहां से, देखो अभी आपने कहा उनके वकील ने उनको वहां पे दिया है कि भाई रिपोर्ट लिखा दी भाई दे दिया, लेकिन रिपोर्ट अगर लिखाई है अगर भारत सरकार तक पहुंची नहीं है, अगर हो सकता भारत सरकार तक नहीं पहुंची हो, लेकिन क्या होता है उसकी जो एक एफआईआर दर्ज की जो कॉपी कराते हैं वो अगर 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 मैं कहता हूं आप देखो किसी भी आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं सुनो मेरी बात, हालांकि मुझे नहीं मिलेगी, देखो मेरे पास वकील है, मैं वकील करूंगा, वकील के थ्रू तो मैं आपको ले सकता हूं उसको, वकील को मैं वकील के थ्रू उनको मैं उसकी एफआईआर की जो कॉपी है उच्चायोग में, वकील के थ्रू, देखो वकील के थ्रू आप ले सकते हैं। अनिल कुमार जी आपको भी जानकारी इस बात की जी, मैं ये कहना चाहूंगा जी बिल्कुल मैं आपको बताता हूं बात। सर अनिल कुमार जी आपकी बात बहुत अच्छी लगी, मैं आपसे भी मैंने कुछ सीख लिया है, और आप मेरे मैं कहता हूं आपसे मैंने भी दो बातें कुछ सीखी है, हो सकता है मेरे को नहीं उस चीज की जानकारी हो और मैं उसके लिए मैं हो सकता है मैं आपसे कुछ समझ ले रहा हूं, हो सकता है थोड़ा बहुत मुझे नहीं पता हो, ठीक है जी आप बड़े हो समझदार हो सकता कुछ जानकारी मुझे नहीं पता है, मैं कहता हूँ आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी सत्य लगी है, क्योंकि लेकिन वो जब देखो गुलाम हैदर अगर यहाँ अपना अपना केस लड़ेगा तो अगर वो आता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया वो कानून के तहत वो उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, क्यों वकील करेगा भैया भाई मेरे बच्चे, मैं ऐसे लोगों से बात करके खुश नहीं, कौन सचिन पचिन ऐसे बहुत है यार हमारे देश में, पाकिस्तान की जब भी बात आती है ना भारत के अंदर कोई ऐसी बात आती है कि यार कोई गलत घटना घट जाती है, बम्बारी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, बॉर्डर पे हो जाती है, इसलिए दो देशों में है ना दरार है, लेकिन लेकिन ऐसे आबिरों के मैं कहता हूं देखो एक ये जो है ना चल रहा है, लेकिन मैं कहता हूं एक हमने पारिवारिक बात समझिए, एक इंसान की बात समझिए, दो देशों की बात है यार, एक वो आप देखोगे उसने कितने चैनल बनाए हैं सीमा ने, भाई साहब 21 लाख सब्सक्राइबर हो गए उसके, पैसा कमा रही है, सुनो और अपने बच्चों के पीछे ना बैग टांग के स्कूल में दिखा रही, मैंने वो वीडियो पकड़ी, अरे भैया भारत में स्कूल बंद है कहां से दिखा रही है बच्चों को, भैया ये झूठे छल कपटे लोग हैं, सुनो सीमा सचिन एपी सिंह इनके छल कपट में वो फंसी हुई है, मैं कहता हूं एक गुलाम हैदर के बच्चे हैं भैया, मैं तो मदद कर रहा हूं, मेरे को जब भी आप आवाज उठाओगे, देखो मैं भारत से तो भैया दूर जा नहीं सकता और मैं अपने संविधान से दूर नहीं जा सकता, लेकिन पिता की बात समझ के हमेशा रिस्पेक्ट प्यार मोहब्बत की बातें आप भी करते हैं और सभी जो भी हम भी ये तकाजा करते हैं कि प्यार मोहब्बत की बातें होनी चाहिए, दो देशों के जो जनता है उनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ और आपकी वीडियो में यही होता है। देखिए ये एक मुद्दा है इंसानियत के हवाले से आप जुड़े हैं जी,
बिल्कुल अफरोज भाई, देखो आप अफरोज भाई, मैं आपकी तारीफ करूंगा। अफरोज भाई आप एक नेक दिल इंसान हो और एक समझदार हो, पढ़े लिखे इंसान हो। अफरोज भाई, तनवीर भाई, आपकी बात को मैंने आपकी हर वीडियो देखता हूँ, सुनो। और भाई भाई साहब हैं ये, अपने जो है इनकी भी देखता हूँ और सच बात है, ये दिखाते हैं कुछ चैनल है। सुनो मैं देखता हूँ, हर वीडियो देखता हूँ। आप लोग है ना एक एक बहुत ही मेहनती लोग हो। सुनो, एक गरीब इंसान की मदद कभी कर रहे हो। और मैं आप सबको ना, मैं अपने दिल से, मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ कि आप लोग इतने अच्छे दिल से काम कर रहे हो, एक पिता की लड़ाई पे कर रहे हो, तो मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। क्योंकि देखो जो इंसान की मैंने कभी आज तक, भैया देखो मैं आज जुड़ा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है भाई साहब, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं आपको सारी मजबूरियां नहीं बता सकता, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन आप लोगों को इतना मैं सलाम करता हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतनी उसके गुलाम हैदर के लिए मेहनत कर रहे हो, और मैं कहता हूँ आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी मेहनत इतनी रंग लाएगी भाई साहब, देखना, क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चे जरूर मिलेंगे। और सुनो, मेरा कोई YouTube चैनल नहीं है, मैं एक अपनी नौकरी करता हूँ भाई, और मैंने आज तक कोई चैनल नहीं बनाया है। जितने भी यूट्यूबर मुझसे आते हैं, कोई भी मुझे गुलाम हैदर की बात करता है, सचिन की बात करता है, मैं उसको बाइट दे देता हूँ। और भैया मैंने आज तक कोई चैनल नहीं बनाया है, मैं एक पारिवारिक आदमी हूँ, मेरी एक अच्छी नौकरी है, मैं अपनी बस नौकरी करता हूँ भाई, और मेरी ईट रोडी बजरपुर की दुकान है, मैं अपना काम धंधा देखता हूँ। 2 घंटे क्या है भैया मैं निकालता हूँ कि शाम को, बस यही है मेरा। कोई भी चैनल कभी जिंदगी में नहीं होगा, ना मैं चैनल बनाता हूँ, मैं तो सिर्फ एक पिता की बात करी थी, पिता की भैया उसके समर्थन में हूँ। और भैया मैंने गुलाम हैदर आपको बता दिया भैया, चाहे टिकट का हो, चाहे खर्चा हो, चाहे कोई हो, एक मैंने तो एक पिता की बात रख के भैया, मैं है ना, मैं आपका जोर जोर तरीके से मैं आपका स्वागत कर सकता हूँ भारत के अंदर। और भैया जब भी मुझे आप कहोगे, मैं सूर्य वर्मा दे, मैंने सुनो, मेरी मेरी आत्मा भैया देखो, मेरी आत्मा है, मैंने सब कुछ देखा है, मैंने एक पिता की बात देख ली, मैं मेरा दिल दुखा, मैं उस गुलाम हैदर को मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके बच्चे छीने भाई मेरे, मैं उसका दुख नहीं देख सकता, मैंने कई बार दिल से उसको मैं क्या बोलूं, क्योंकि एक इंसान के बच्चे यार भाई छिने हैं, और वो भारत में घुस के बैठी है, और वो यहाँ पे ड्रामा कर रही है, छल कपट कर रही है, और जिससे उसकी कतर मेरी शादी हुई है, वो लप्पू सप्पू यार, अरे कुछ नहीं है, जीरो यार भाई साहब, मैं कौन हूं, मैं अरे मैं ऐसे लोगों से भैया बात करके खुश नहीं हूं।